गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। तो अभी तक पैराबोला में हमने पैरामेट्रिक पॉइंट वगैरह ये सब देखा है ना। शॉर्टली हम लोग पैराबोला को कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट इसके बाद का। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट, बेसिकली पॉइंट एंड पैराबोला, मतलब किसी पॉइंट का पैराबोला के रिस्पेक्ट में लोकेशन क्या होगा, है ना। सो इसमें हमने एक ही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताया था। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन इज फोकस इज इन इंटीरियर ऑफ कोनिक। मतलब किसी कोनिक का किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करना हो तो हम पहले फोकस चेक कर लेंगे उसके इक्वेशन में रखकर। जैसे अगर मेरा वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स ये पैराबोला है मेरा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एस एफ पता कर लेंगे। फोकस का कोऑर्डिनेट इसमें क्या हो, ए कॉमा जीरो, है ना। सो एस एफ विल बी इक्वल टू ए कॉमा जीरो, मतलब वाई की जगह पर जीरो और ए की जगह पर ए, फोर इंटू ए इंटू ए माइनस फोर ए स्क्वायर। ये क्वांटिटी लेस देन जीरो, मतलब इंटीरियर रीजन में आपका क्या होगा एस वन लेस देन जीरो। हम लोग क्या बोलेंगे, इफ एस वन इंटू एस एफ, इफ एस वन इंटू एस एफ ग्रेटर देन जीरो है, इंप्लाइज दैट एस वन लाइज इनसाइड। ये मेरे थ्योरी से स्लाइटली डिफरेंट है, मैं जो थ्योरी आपको बताया था इस लैंग्वेज में नहीं था। अगर ये लेस देन जीरो है एस वन आउटसाइड होगा, और अगर मेरा एस वन डॉट एस एफ इक्वल टू जीरो है तो मैं यहां पे मेरा एस वन पॉइंट जो होगा वो कहां होना चाहिए, ऑन द पैराबोला होना चाहिए। और मैंने बताया भी था कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल इस पे कर लेते हैं फिलहाल। अगर मेरे पास पॉइंट है ए कॉमा वन, है ना, लाइज बिटवीन ए कॉमा वन लाइज बिटवीन द रीजन या इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड एक्स एक्स स्क्वायर मैं यहां पर नहीं लूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं, इक्वल टू फोर टाइम्स वाई, बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स
y. Then find range of a. Find range of a. कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक सर्कल की इक्वेशन है और ये पैराबोला की इक्वेशन. तो सर्कल की इक्वेशन हम लोग प्लॉट कर लेंगे. ये मेरा 0.0 हो गया. x square equal to 4y, ये 0.0 से पास करता है. मैं इसके ग्राफ डिफरेंट कलर से दिखा रहा. ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा. सो ये अपवर्ड हम बनाएंगे. अब देखो इस क्वेश्चन में समस्या यह है कि कह रहा कि a comma 1 lies between the region bounded by this circle and this parabola. a comma 1 पॉइंट कहां पे दिखाई पड़ेगा? जरा सोचो, ऊपर वाले रीजन में या नीचे वाले रीजन? डेफिनेटली 0 से 0.1 ऊपर है, मतलब ये पॉइंट ना ऊपर है, कुछ इस लाइन पर होगा, है ना, कुछ इस रीजन में होगा. सो इसी रीजन में इसको लाई करना. और ये जो रीजन है पैराबोला के लिए इनसाइड है या आउटसाइड है? ये जो मेरा रीजन है वो पैराबोला के लिए इनसाइड है या आउटसाइड है? रीजन पैराबोला के लिए इनसाइड है ना, ये फोकस वाला रीजन है. इस पैराबोला का फोकस यही ना होगा, तो ये इंटीरियर रीजन हो गया. ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगा कि a कॉमा 1 जो है इंटीरियर ऑफ पैराबोला हो गया, एज वेल एज a कॉमा 1 इंटीरियर ऑफ सर्कल हो गया. दोनों के केस में इंटीरियर हो गया. पैराबोला में a से हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को ना आगे रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, माइनस 4y. इसमें इंटीरियर के लिए क्या होगा? s1 लेस देन 0 करना होगा, है ना. सो a कॉमा 1, सो a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, पहला. दूसरा a कॉमा 1, a कॉमा 1 मतलब a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4. सर्कल के रिस्पेक्ट में भी हम क्या बोलेंगे? विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, पॉइंट मेरा इंटीरियर में है. सो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेस देन 0 होना चाहिए. इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो भी a मिलेगा वही लेना हो. ये कह रहा है a स्क्वायर माइनस 4 मतलब 4 से छोटा, और ये कह रहा है आपको 3 से छोटा. तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 4 से छोटा, 3 से छोटा, कॉमन क्या है? 3 से छोटा ना, इसलिए a स्क्वायर लेस देन 3, और यहां से a लिख सकते हो आप माइनस रूट 3 से लेकर के रूट 3 तक a चला जाए. ठीक है, तो a का वैल्यू ये आ गया माइनस रूट 3 से 3 तक. इसमें पैराबोला का कोई बड़ा रोल नहीं है, ये ध्यान रखना. तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है कि a माइनस 1 lies between the region bounded by फलाने एंड चिलाने, तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये बताया जा सकता है कि इफ a कॉमा
one point lies in the interior of this circle, then it also lies interior of this parabola. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस केस में खास करके, क्योंकि सिंपलीफाई करने पे पता चल रहा है कि इसका गाइडिंग फैक्टर सर्कल है और ये इसको सेटिस्फाई उस केस में कर ही रहा। समझ में आई बात? क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन एंड पैराबोला, इस केस में हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स का वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ बात करते हैं, और ये बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, है ना। सो यहाँ पे टेंजेंसी की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सी विल बी इक्वल टू ए बाई एम, ये कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पैराबोला के लिए, और इसी पैरा इसी कंडीशन का हेल्प ले करके हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पैराबोला में भी काम किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई और लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्वेश्चन ये होता है कि सी का वैल्यू क्या होना चाहिए सच दैट, सी का वैल्यू क्या होना चाहिए सच दैट ये लाइन इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करे। ठीक है, सी का वैल्यू क्या होना चाहिए सच दैट ये लाइन इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करे। रिलेशन बिटवीन सी ए एंड एम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ना, इसके लिए जनरल टेंजेंट लिखेंगे। इसका जो टेंजेंट होता है वो होता है एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम टाइप का होता है। ठीक है, ये एम स्लोप का टेंजेंट है, m स्लोप का नहीं, ये 1 by m स्लोप का टेंजेंट है। इसका स्लोप कितना है 1 by m, लेकिन हमारे पास जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, इसका m है। सो वी रिप्लेस m by 1 by m, तो ये हो जाएगा x 1 by m into y plus a into m में कन्वर्ट हो जाएगा। अब m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा ओम एम एक्स वाई एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। देयरफॉर c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर हो जाए। ये ध्यान में रखना, जब पैराबोला हमारा वर्टिकल वाला होगा तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर हो जाएगा, और कई केस में हम लोग डायरेक्ट्रिक्स वगैरह भी देखे थे कि पेयर ऑफ टेंजेंट वहां पे इंटरसेक्ट करते हो तो उनके बीच में क्या हो जाता है 90 डिग्री का लाइन बनता है। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो पैराबोला में दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं
सो अगर हमारा पैराबोला है लेट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हैव टू टेंजेंट्स टेंजेंट्स y इक्वल टू mx प्लस a बाय m1 y इक्वल टू m2x प्लस a बाय m2 सच दैट m1 इनटू m2 इक्वल टू -1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। यहां पे मिल जाएगा आपको जीरो सब्ट्रैक्शन करने के बाद, सब्ट्रैक्टिंग जीरो एलएचएस में आरएचएस में m1 माइनस m2x और यहाँ पे a बाय m1 माइनस a बाय m2। सो यहाँ पे आप देखो कैसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। m1 माइनस m2 कॉमन कर लिए मिलेगा x और यहाँ पे होगा माइनस ए बाय m1 m2 क्योंकि यहाँ से m2 माइनस m1 बने तो ये मिल गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि x का वैल्यू क्या आ रहा, ए बाय m1 m2 आ रहा और m1 m2 का वैल्यू क्या है, m1 m2 इक्वल टू माइनस, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस a। x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ऑलवेज माइनस a के बराबर है, हेंस लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of two perpendicular tangents equal to is x plus a equal to 0 which is directrix ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। मोरओवर इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के लोकस को हम लोग डायरेक्टर सर्कल भी कहते हैं। इसलिए देयरफॉर डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट हम लोग देख चुके हैं, अब टी फॉर्मेट पे टेंजेंट देख लेंगे फट से। टेंजेंट्स एट एटी स्क्वायर कॉमा 280 y स्क्वायर माइनस 4ax पैराबोला के केस में, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत सिंपल है, dy इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। सो अगर हम नॉर्मल लिखना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो गया, नॉर्मल एट
80 square comma 280 इसी पैराबोला में। टेंजेंट की स्लोप क्या है? टेंजेंट की स्लोप अगर हम देखें 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -t हो जाएगा। आप लोग ए और डी अभी पढ़े नहीं हो, है ना? तो नॉर्मल का स्लोप हमने लिख दिया, लेकिन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको पता है। हम लिखेंगे y - y1 280 इक्वल टू -t टाइम्स x -80 स्क्वायर। सिंप्लीफाई आउट जब करोगे तो मिल जाएगा आपको tx + y = 280 + 82। ठीक है, दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होता है आपका t1 t2 t1 plus t2, और दो नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको याद ही रखने तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। a t1 square t2 square plus t1 t2 plus 2 minus a t1 t2 t1 plus t2। बट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात। अब होता क्या है कि टेंजेंट पैराबोला को ना दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करता, बट नॉर्मल इंटरसेक्ट करता है। If normal at 80 square comma 280 of the parabola भी लिख सकते हो, intersects it again at a t1 square comma 2 a t1, है ना? Find relation between t1 and t2। Find relation between T1 and T2। हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये मेरा normal है। इस point पे हम normal लिख रहे हैं। और ये parabola को ना दोबारा intersect कर रहा है इस point पर। पहला point है मेरा 80 square comma 2a। दूसरा point है मेरा a t1 square comma 2 a t1। नॉर्मल यहाँ पर है सो 90 डिग्री दिखाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है तो हम कोई भी एंगल नहीं दिखा सकते। तो हम क्या कहेंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पर कितना होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पर कितना होता है? -t के बराबर होता है ना? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट
कैसे? सो टेंजेंट का इक्वेशन हमको याद है ना, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ से 1 बाई टी आ गया तो स्लोप हो गया टेंजेंट का 1 बाई टी, और उसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव ये टी हो जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल इन अदर वे कैन बी रिटेन एज 281 माइनस 280, ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस, सिंप्लीफाई आउट, आप यहां से ए से ए कैंसिल आउट कर ले और टू कॉमन कर ले, सो टू टी वन माइनस टी, टी वन माइनस टी, टी वन प्लस टी माइनस, सो टी नॉट इक्वल टू टी वन, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते, रेसिप्रोकल कर लीजिए। हम लोग को फाइंड क्या करना है, टी वन फाइंड करना है, ठीक है। सो हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, टी वन प्लस टी बाय टू माइनस वन बाय टू, ये टू इधर चला जाएगा, सो टी वन विल बी इक्वल टू माइनस टी माइनस टू बाय टी, ये भी रिलेशन याद रखने लायक है, क्योंकि इस रिलेशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी नॉर्मल में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जाते हैं किसी एक पॉइंट से पैराबोला पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल that can be drawn to a parabola, to a parabola from a given point, क्योंकि क्यू मेरा नॉर्मल क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता तो मैं यहां पर लिखूंगा आंसर थ्री। तो ये दो तरह के लाइन हो गए आपके, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तीसरा लाइन जो है तुम्हारा फोकल कॉर्ड है, थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन इज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब है कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। तो कॉर्ड क्या होता है, पैराबोला के किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो लाइन लाइन होगा उसी को हम लोग कॉर्ड कहेंगे। सो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं, सिंपली ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन ले सकते, बी पॉइंट का क्या ले सकते हैं ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू लिया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्ड ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी मैं जनरल कॉर्ड लिख रहा हूं, टी वन प्लस टी टू टू टाइम्स एक्स प्लस ए टी वन टी टू, ये मेरा जनरल कॉर्ड का इक्वेशन हो गया, दो पॉइंट कनेक्ट करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन।
if this chord AB passes through focus A comma zero, then P1 P2 equal to minus one होता है. P1 P2 equal to minus one आ जाता है. समझ में आई बात. P1 P2 equal to minus one हो जाता है. ये पैराबोला में फोकल कॉर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे. फिलहाल हम लोग पहले एक जनरल कॉर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला x square equal to 4y passing through vertex and having slope cot alpha है ना, is कितना होगा. तो यहां पे पैराबोला मेरा वर्टिकल, ये ध्यान दो. तो कोई भी कॉर्ड होगा जो स्लोप कॉट अल्फा रखा होगा, तो आप थोड़ा सा समझो कि इस बात को क्या होगा. ये लाइन जो है पाई बाई टू माइनस अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल अल्फा है और ये एंगल है पाई बाई टू माइनस अल्फा. तभी ना इस पर टेन ऑपरेट करेंगे तो कॉट अल्फा बन जाएगा, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करना चाहूं, है ना, थोड़ा आसानी से सॉल्व करने के लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं. हम पैराबोला को रोटेट कर लें, ये है मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स पैराबोला और एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाने वाला कॉर्ड. हम इसको अल्फा मान लेंगे. अब कह रहा कि इस कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, ओ और ए. तो ए का कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी. हाँ, एक बात मैं मेंशन करना भूल गया, जितना इस केस में ओ भी आपका होगा उतना ही लेंथ ओ ए का होगा, ज्योमेट्री रोटेशन से चेंज नहीं होगा, ठीक है. So, मैं OA का जो लिंक फाइंड करूंगा वही मेरा OB का लिंक होगा. सो स्लोप इसका कितना है, t के टर्म में अगर हम बात करें, tan alpha must be equal to 280 by 80 square. So, 2 by t होगा, मतलब जहां पे tan alpha आएगा हम 2 by t रख सकते हैं, या जहां पर T है वहां पर 2 cot alpha रख सकते हैं. Now तो A square will be equal to 280 square plus
एटी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर कॉमन कर ले, 4 टी स्क्वायर मिल गया, टी का पावर 4 मिल गया। वैल्यू रख ए स्क्वायर 4 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब इंटू 4 कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा आपका 16 कॉट की पावर 4 अल्फा बनेगा। और यहां से आप लिख सकते हो 16 कॉमन कर सकते हो, और एक 16 कॉमन कर लेते हो, 16 ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा भी कॉमन कर सकते हो, कॉट स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस कितना बचेगा, कॉट स्क्वायर अल्फा बचेगा। ये कितने के बराबर होगा, कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सो ओ ए का लेंथ कितना हो गया, ओ ए इक्वल टू 4 ए टाइम्स कॉट अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन होता है, फोकल कॉर्ड का लेंथ अगर उसकी स्लोप मालूम हो, फाइंड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड if its slope equal to m है, ऐसा कितना फोकल कॉर्ड होगा जिसका स्लोप m होगा, मतलब गिवन स्लोप होगा, एक ही होगा ना, कुछ इस तरह से। मान लो कि ये थीटा है ना, मान लो ये एंगल थीटा होगा, अब तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, खैर उससे बहुत अच्छी बात नहीं, बात ये है कि जितना इसका लेंथ होगा है ना, अगर हम पॉइंट मान ले एटी स्क्वायर के टर्म, तब काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये लेंथ जितना है उतना ही तुम्हारा ये एस है, ये ए है और ये एम है, तो हम लोग लिख सकते हैं AM बराबर AS, सिमिलरली BN बराबर SB, सो AM प्लस BN इक्वल टू AB, AM प्लस BN इक्वल टू AB आ गया। अब रही बात कि AM और BN है क्या, है ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सेटअप कर लेते हैं। ये है तुम्हारा ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, ये है तुम्हारा ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू, अभी हमने कोऑर्डिनेट सेटअप किया। नाउ आप जरा सी बात को देखो, ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस ए लाइन है ना, ये लेंथ कितना हो जाएगा, कौन गाइड करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। सो एम जो हो गया
वो हो गया ए टी वन स्क्वायर प्लस ए, डी ए जो हो गया वो हो गया ए टी टू स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ए बी। तो ए बी अगर ए हम कॉमन कर ले तो मिल गया टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर और प्लस टू है। नाउ ए बी इज फोकल कॉर्ड, तो टी वन बराबर माइनस वन बाई टी टू हो जाएगा। पुट दिस थिंग, हम टी वन को रखना चाहते हैं और टी टू को माइनस वन बाई टी वन करना चाहते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब ये देखो क्या होगा, ए इंटू टी वन प्लस वन बाई टी वन का होल स्क्वायर, टी वन प्लस वन बाई टी वन का होल स्क्वायर, लेकिन हमको थीटा के टर्म में लाना है। सो व्हाट आई विल राइट, स्लोप ऑफ ए इज टेन थीटा कितने के बराबर है, टेन थीटा आपका कितने के बराबर है, तो हम लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो। यहां से हम लिख सकते हैं टू ए टी वन डिवाइडेड बाय ए टी वन स्क्वायर माइनस ए, ए से ए कैंसिल हो गया, टू टी वन डिवाइडेड बाय टी वन स्क्वायर माइनस ए, ऐसा लिख सकता हूं मैं। हमको इसको ना टेन थीटा के टर्म में लिखना है, कैसे लिखा जा सकता, कैसे लिखा जा सकता है। तो बेसिकली हमको यहां से टी वन फाइंड करना पड़ेगा, है ना।